नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन सिंह। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल क्रिएट ऑन वर्ल्ड पर, जिसका मतलब है अपनी सोच बदलिए, अपनी दुनिया बदलिए। एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हूं रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की एक और शानदार वीडियो के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज की जो वीडियो रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, क्योंकि हम जब किसी न्यू कैंडिडेट को अपने साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे वॉलेट में किस तरीके से पैसे को ऐड किया जाता है और किस तरीके से हम ऐड कर आईडी ग्रीन करते हैं, ये सब कुछ आना चाहिए। तो आज जो पहला स्टेप है वो है वॉलेट, यानी कि ऐड मनी करना, किस तरीके से हम पेमेंट कंपनी को देने के बाद अपने वॉलेट में ऐड करते हैं। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है, लास्ट तक इसको पूरी देखिएगा। यदि नई कैंडिडेट हैं तो बहुत अच्छी बात है, नए भी नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके टीम में ये वीडियो बहुत यूज़ होने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं और सीखते हैं किस तरीके से रेनेटस वेलनेस में ऐड मनी किया जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे और सीखते हैं कि वॉलेट कैसे हम ऐड करते हैं रेनेटस वेलनेस में। और आज मैं आपको वॉलेट ऐड करना सिखा रहा हूं, तो एक एक स्टेप को बड़े ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। अभी मैं जो आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं वो है यूपीआई के थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं कंपनी को, फिर उसको हम कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्तों देखिए, उसमें सबसे पहले हमें ये स्क्रीनशॉट मेरे सामने है, हमने 6420 रुपए का वॉलेट के लिए हमने जो है पेमेंट करी है। तो ये सीधा का सीधा कंपनी के अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र करा है और ये फ़ोन पे से ट्रांजेक्शन हुई है। अब इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो ई वॉलेट ऐड करते हुए हमें चाहिए, वो क्या है, वो होता है ट्रांजेक्शन नंबर। नीचे देखिए रेनेटस नोवा के नीचे लिखा हुआ है डेबिट फ्रॉम, के नीचे यूटीआर नंबर एक लिखा हुआ है। इस यूटीआर नंबर को आप एक अलग पेपर पर लिख लेंगे और फिर जब हम रेनेटस वेलनेस की साइट पर जाएंगे तो वहां जाकर हमें इसको फिल करना पड़ेगा। तो चलते हैं, हम रेनेटस वेलनेस की साइट पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम रेनेटस वेलनेस की साइट पर आ गए हैं, हमने आईडी और पासवर्ड अपना डाल लिया है। तो हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको सीधा सीधा डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। अब हमें करना क्या है, हम सीधा हम कहाँ जाते हैं, ये देखिए ऊपर जो हरी वाली ग्रीन लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हमने ओपन किया और हम अपने मेन्यू में गए। मेन्यू में हम जाएंगे ई वॉलेट के ऊपर। ई वॉलेट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन निकल कर आता है ऐड मनी का। हम यहाँ ऐड मनी के अंदर जाएंगे और जो भी हमारा पासवर्ड है हम उसको फिल करेंगे। देखिए हमारा ये खुलकर आ गया है। इसमें अब हमें करना क्या है, फोर देखिए जहां पर क्लिक हेयर लिखा हुआ है यहां पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अभी तक जो रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं, ये देखिए हमने जैसे ही इस पर क्लिक करा, क्लिक हेयर पे, तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी हम रिक्वेस्ट डालते हैं वो हमें सारी की सारी इस तरीके से शो होती हैं। जैसे ही हम रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपके सामने ये क्लिक हेयर जैसी करेंगे रिक्वेस्ट के बाद तो ये खुल कर आ जाएगा। अब बैक चलते हैं और बैक चलने के बाद देखिए हम यहाँ पर हमें जाना है। अब बैक आ गए, अब देखिए जहाँ पर 100 लिखा हुआ है इसका मतलब मेरे वॉलेट में 100 रुपीज़ पड़े हुए हैं। अब हम वॉलेट ऐड करेंगे तो वॉलेट देखिए कैसे ऐड करा जाता है। हम डालेंगे 6420 रुपये की हमने पेमेंट करी हुई है कंपनी को, उसको हमें वॉलेट में ऐड करना है। रिमार्क में आप लिख सकते हो पे बाय फोन पे, ठीक है। सिलेक्ट मोड पे जाएंगे और
जिसके थ्रू आपने ट्रांजेक्शन करी है कंपनी के अकाउंट में, उस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने जो ट्रांजेक्शन करी है वो यूपीआई के थ्रू करी है, तो यूपीआई पे हमने क्लिक कर दिया और इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो पेज हमारा ओपन हुआ है वो ये वाला हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर हमें ये बैंक सिलेक्ट करनी होती है, किस बैंक में कंपनी के किस अकाउंट में आपने पेमेंट करी है। जैसे कि मैंने एसबीआई में करी है, तो आप एसबीआई पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो मैंने ट्रांजेक्शन का यूटीआर नंबर जो आपके लिए बताया था, वो अब देख रहे हैं आप, नीचे यूटीआर नंबर लिखने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर वो नंबर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं नंबर डाल देता हूँ, ये देखिए मैंने नंबर फिल कर दिया है। नीचे आप डिपॉजिट डेट, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करी है उस दिन की आप डेट डालेंगे। जैसे कि ट्रांजेक्शन हुई है तो 8 मार्च की यह ट्रांजेक्शन है। अब नीचे चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आप वो स्क्रीनशॉट उसका फ़ोटो खींचेंगे जो आपने ट्रांजेक्शन करी है, और उसको आप जाकर उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे उसको। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं आप, और मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू कर देंगे ऐड मनी के लिए। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट देखिए यहाँ पर लिखा आ गया है, ऐड मनी रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। अब देखिए आपने जो ट्रांजेक्शन डाली है उसको आप देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ये देखिए 8 मार्च में जो पेंडिंग मैंने डाली है रिक्वेस्ट, वो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। 9/3/2020 को मैंने रिक्वेस्ट डाली है। डिपॉजिट डेट ट्रांजेक्शन की 8 मार्च है, 6420 रुपये की मैंने रेस्ट और ये डाली है। अब देखिए यहाँ पर लिखा रहा पेंडिंग, यानी कि ये अभी पेंडिंग में है, और 10 से 15 मिनट आधे घंटे में ये रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल हो जाती है और पैसा हमारे ई वॉलेट में आ जाता है। नीचे आप देख रहे हैं जैसे जहाँ रिजेक्ट लिखा हुआ है, रिजेक्ट का मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ गलत फिल किया है अपने ऐड करते हुए, तो आपकी कोई मिस्टेक आपसे हुई है, इसलिए रिजेक्ट लिखा जाता है। कन्फर्म यानी कि पैसा जो है आपके वॉलेट में पहुँच चुका है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों ई वॉलेट हम ऐड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, किस तरीके से मैंने सिखाया है आपको कि वॉलेट कैसे ऐड किया जाता है, और इस तरीके से रेनाटस वेलनेस के अंदर आप वॉलेट ऐड कर सकते हो। बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, आपको आईडी कैसे ग्रीन करी जाती है वो मैं आपको सिखाऊँगा, कि नए लोगों को आप आईडी कैसे ग्रीन करना सिखा सकते हैं। उस वीडियो में आप समझेंगे कि आईडी कैसे ग्रीन करी जाती है। तो अभी तक मेरी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सेंड कर सकते हैं, क्योंकि नए लोगों को ई वॉलेट करना ज़रूर आना चाहिए। तो थैंक यू, और बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलते हैं।